Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। हर रोज़ एक नई सुबह जिसमें मेरी आप सबके लिए यही दुआ, आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ख्वाब देखते हैं जी, हाँ कौन से वाले? सुबह पेपर है, मैं अभी तो आना शुरू हुआ है, अभी तो हमने देखना शुरू किया है जो हम देखना चाह रहे थे और अब उठने का टाइम भी हो गया है, होता है ना ऐसे। तो जो ख्वाब अच्छे लगते हैं वो किस तरह के होते हैं? उस ख्वाब में क्या चीज़ होती है जो हमें अच्छी लग रही होती है? उस ख्वाब में हमारी फेवरेट लोग होते हैं, उस ख्वाब में हमारी फेवरेट जगह होती हैं जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, हमारे फेवरेट कपड़े होते हैं जो हमने पहने होते हैं, और फिर हमारा फेवरेट अंदाज होता है जिस शख्स के साथ हम होना चाहते हैं, जिसके साथ हम जैसे इंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, गप्पे लगाना चाहते हैं, वो सब कुछ हम अपनी फैंटेसीज़ में देखते हैं। और इसी का नाम ख्वाब है कि उसमें हम वो सब कुछ पालें जो कि हम ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो वो कौन सा ख्वाब है जो सोने नहीं देता? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कोई ख्वाब है ऐसा? नहीं। कोई ख्वाबों का शहजादा है? वो भी नहीं है। ये तो झूठ है, सफ़ेद झूठ है, और ये वो झूठ है जो आप लोग बोल रहे हैं तो आपको भी पता है कि झूठ है। अगर मैं ये कहूँ कि इस में आपके ख्वाबों का एक शहजादा लिपटा हुआ है तो मानोगे? हाँ, ऊंची सारी बताना है। अच्छा, अगर बोलने में मसला आपके हाथ ही है, हमने दिया हुआ है ना कुछ, उठाए इन्हें बताएं मुझे, ठीक है? तो आप मानेंगे कि इसमें ख्वाबों का शहजादा है? लगता है, ठीक है। तो कैसा होगा ख्वाबों का शहजादा? कुछ तो उसकी कुछ डेफा बताएं जल्दी से। मतलब बहुत अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा होने के लिए उसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए? वेल ड्रेस होना चाहिए और बहुत प्यारा वेल ड्रेस होना चाहिए। सही, तो वेल ड्रेस तो हमारा ख्वाबों का शहजादा है। थोड़ा 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 मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। देखो जूते कैसे हैं? कमाल के हैं, अच्छे हैं। ऐसे ही होने चाहिए या इससे भी बेहतर होने चाहिए? बेटर होने चाहिए। हाँ, अच्छा वो कह रही बेटर होने चाहिए, तो क्या मतलब है? वो माइकल जैक्सन वाले जूते पहन के आए जिसके ऊपर वो गोल्डन कलर का लगा होता है? हाँ, यानी चलेंगे चलेंगे। अच्छा, वेल ड्रेस की आपने बात की, तो ये देखो उसने पहना हुआ क्या है, तो ये चलेगा या फिर कुछ शलवार कमीज या कुछ और? हाँ यही चलेगा, यही। अभी पूरा तो देखा नहीं है, सिर्फ जूते देख के कैसे तय हो गया कि यही चलेगा? हाँ अच्छा, चले थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये देखिए उसे कितना अच्छा कोट पहना हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ से देख के क्या लगता है कि ये जो बंदा है ये किस तरह का होगा और मतलब इसका क्या आते होंगी, क्या इसका खूबसूरत है? सिर्फ एक सफ़ेद रंग के कोट को देखने से पता चल गया कि खूबसूरत है, या उसके स्टाइल मार के ऐसे करके खड़े होने से पता चला है? कपड़ों से भी पता चलता है, स्टाइल मारने से पता चला है कि वो खूबसूरत बंदा है। तो स्टाइल तो कोई भी मार सकता है, नहीं कि खूबसूरत बंदा ही स्टाइल मार सकता है। अच्छा चलें थोड़े और ऊपर चलते हैं और यहाँ तक आते हैं। अब आप देखें कि ये जो ख्वाबों का शहजादा है, ये कोई गेस कर सक रहे हैं कि ये कौन है? नहीं, सही बताना है, पक्के वाला। अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर्स हैं कौन से? मिकाल, फवाद। यार एक एक करके ऊंचा ऊंचा बताएं मुझे, हल्की बोलते हैं आप, आवाज़ नहीं आ रही। क्या? फवाद खान। तो आपको लग रहा है फवाद खान है ये? क्यों भाई, क्यों नहीं फवाद खान? जो मेहमान हैं वो आपसे मिलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और इनकी आपसे मुलाकात होगी, और सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, हम इनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ मज़े मज़े की करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है कि फवाद खान हैं? फवाद खान है नहीं है। अच्छा, फिर और कौन है? कौन है? फैसल कुरैशी है ये? हाँ नहीं, क्यों? फैसल कुरैशी क्या ऐसा कोट नहीं पहनते? पहनते हैं। तो फिर क्या ऐसे स्टाइल नहीं मारते? तो फिर फैसल कुरैशी कैसे नहीं है फिर? अच्छा चलो, और कौन है? हाँ कौन है? मिकाल। आपको कैसे पता है कि मिकाल है? चेहरा तो आपने देखा नहीं है। आपका क्या कह रहा है? दिल कह रहा है। अभी तो आप कह रहे थे आप ख्वाब नहीं देखते, अब दिल कैसे कुछ कहना शुरू हो गया भाई? दिल तो उसका कहता है जो ख्वाब देखता है, जो किसी बंदे के बारे में फैंटेसाइज करता है। हाँ, तो मतलब ये आपको लग रहा है कि मिकाल है, और आपका दिल कह रहा है कि ये मिकाल है। मैं यहाँ देखने से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा कि मिकाल है। एक मौका और देती हूँ, सोच लो आप कि आपको क्या लगता है अभी जो हमारे मेहमान आपसे मिलने वाले हैं वो कौन हैं? देख लो, हो सकता है आप लोग गलत कुछ गेस कर रहे हो। नहीं? अच्छा, तो फिर मैं कपड़ा हटाती हूँ और आपने उनका नाम लेना है जोर से, क्योंकि ब्रेक के बाद इनकी आपसे मुलाकात होने जा रही है। हमारे खूबसूरत से हीरो हमारे साथ होंगे, उनके साथ हमारी गपशप होगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें जो कि आप भी पूछना चाहते हैं आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बातें नहीं होंगी। हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं कि जिनके साथ हमें मिकाल को शायद ज़्यादा बेहतर जानने का मौका मिल सके। सो लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात मिकाल जुल्फिकार के साथ। आप मिलने वाले हैं आज मिकाल जुल्फिकार से, लेकिन इससे पहले कि मिकाल से मिलें एक बात तो तय कर लें कि मिकाल की जोड़ी किसके साथ बनानी है, ठीक है ना? सो हमारे पास तीन हमारी हीरोइंस हैं। अच्छा, आपने ये मिकाल है, आपने मिकाल के साथ पोजिंग करनी है ताकि हमारी ऑडियंस और व्यूअर ये जज कर सके कि कौन सा कपल हिट है, ठीक है ना? सो आप लोग थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, बल्कि और आपने अकेले पहले पोजिंग करनी है, ठीक है? और आप भी इधर आ जाइए जी। शुरू, सेल्फी बनानी है फर्जी आप मिकाल के साथ। मिकाल, हाँ, नहीं जी, सेल्फी 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 विद मिकाल। बस, that's it. I love you मिकाल, you're so handsome. बिल्कुल सही। सो ये तो होगी एक ऑप्शन। आप उधर आ जाइए साइड पे। आप आई, आपका नाम क्या है? सोफिया मलिक। सोफिया मलिक साहिबा। सो अब आपने जैसे भी फर्ज किया, ये आपके कुछ भी समझ लें आप, क्या है? पेशेंट। पेशेंट जी। फर्ज किया ये आपने, आप क्या समझेंगी क्या है आपके? जाहिर इनको प्रपोज किया है तो लवर ही होंगे ना? लवर ही होंगे, हाँ। ठीक है, तो आप अपने लवर के साथ हैं, तो फिर कैसे पिक्चर्स और कैसी पोजिंग और कैसा आपका अंदाज होगा उनके साथ? वो तो खड़े हैं स्टाइल मार के ना, तो आप उनके साथ कैसे फिर पोज करेंगी? और कुछ? माय गॉड। अच्छा, माय गॉड। आप इनसे लव करें, आप तो ममता जा रही हैं। ममता तो नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि कौन सा डायलॉग इनके ऊपर सूट करेगा। डायलॉग नहीं, भी सिर्फ एक्सप्रेशंस की गेम है। फर्ज किया आपके सामने आपके ख्वाबों का शहजादा है, वैसे हाँ, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, आइए आप जी उधर आ जी, उधर उधर शिवा जी के साथ आए। आपका नाम क्या है? लकी खान। क्या नाम है? लकी खान। लकी खान जी, आज तो आप लकी जान बनी हुई है। लकी जान, आज लकी जान। अच्छा लकी खान, तो ये आपके ख्वाबों के शहजादे हैं, ठीक है? तो आप इनसे कैसे पोजिंग करेंगी, कैसे इनके साथ वक्त गुजारेंगी? आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं, आपको मिल गए हैं अचानक, तो मैं इनके साथ 2-3 सेल्फियां लूंगी, 2-3 पप्पियां झप्पियां करूंगी। बस, अच्छा बस यहाँ तक पप्पियां जफियां कन्विंस हो गए हैं। अच्छा, वो कन्विंस हो गए। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी जो है, किसकी जोड़ी मिकाल के साथ हिट है, ठीक है? सो सबसे पहले हमारी जोड़ी नंबर 1, आइए शीबा जी। जिनका ख्याल है कि इनके साथ जोड़ी हिट है, इधर आइए। आइए डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सोफिया। जिनका ख्याल है कि इनके साथ तो इतना पसंद नहीं आई इन्हें आपकी जोड़ी। और जिनका ख्याल है कि हमारे खान साहब के साथ, लकी खान, लकी खान के साथ। तो किसके साथ जोड़ी बना रहे हैं भैया आप? इनके साथ के इनके साथ? इनके साथ। क्या ख्याल है, असल मिकाल जुल्फिकार को बुलाएं या इसी से काम चल जाएगा? भाई असल में तो हम तस्वीरों से भी काम चला लेते हैं ना, कभी इसको यूं करके देखते हैं, कभी यूं करके देखते हैं, कभी यूं करके लगाते हैं ना, तो हमारा काम तस्वीर से भी चल रहा होता है। तो हम भी आज इसी से काम ना चला लें? नहीं, असल मिकाल जुल्फिकार से मिलना है तो फिर पूरे जोर से आवाज दें ताकि उन्हें आवाज जाए और वो यहाँ पर आए। सो बुलाएंगे आप किसको? मिकाल। पहले खड़ा हूँ यहाँ। आप तो पहले ही खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा जरा इसके साथ आइएगा, हम देखें कि असल या नकल दोनों कौन सी दोनों। अच्छा बताओ असल या नकल? मतलब ये भी असल असल यार, ये बुरा नहीं है, ये मैं घर ले जाता हूँ, काम चल जाएगा मेरा इससे काफी। मैं अभी जब सेट पे आई, अगले मॉर्निंग शो पे जब बुलाएंगे ना तो मैं इसको भेज दूंगा। मैं सुबह सेट पे आई तो इन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे और मैंने टर्न किया तो मैं सभी मिकाल खड़े हैं एकदम से। नॉट बैड, सही हाइट भी मैच की है बिल्कुल। अच्छा तो असल ज्यादा आपको अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए तो आपको उनकी तस्वीर भी अच्छी लगती है। अच्छा मिकाल, हमने आपसे बहुत सारी आज हरकतें करनी है। आज मैंने वैसे थोड़ा सा देखा शो, आपसे मुझे कुछ अंदाजा है कि क्या होने वाला है? नहीं, आपको आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। अच्छा हाँ, सो जिसे कहते हैं ना कि बी रेडी। ओके सो अभी तो हम आपको एक छोटी सी अपनी हुजरे में बिठाएंगे, ठीक है? सो इस हुजरे में बहुत आराम से आप बैठेंगे। बैठ गए? कैसा फील हो रहा है? अच्छा ये कैसी जगह है, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें, कैसी जगह, कैसा फील हो रहा है इसमें बैठ के? लग रहा है जैसे शादी हो रही है। नहीं नहीं ऐसा ना कीजिएगा नहीं क्यों, शादी शादी नहीं अच्छी लगती? नहीं ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा ये आपके हाथ में एक बुक है। अच्छा ओके। ये एक पेन है, ठीक है। हम आपको कुछ खवातीन जो कि आपकी बहुत फैन है, डाई हार्ट फैन, अच्छा वो आपको प्रपोज करेंगी। ओके सो आपने उनको सुनना है और आपके जहन में जो भी उनके एक इमेजिनेशन। मुझे नहीं पता था मैं ब्लाइंड डेट पे आ रहा हूँ। अच्छा ओपन भी डेट होगी, सिर्फ ब्लाइंड नहीं। तो आपने वो स्केच करना है, क्या करना है? स्केच उनकी तस्वीर बनानी है। अच्छा। जो आपको लगता है वो खातून आवाज से गेस करके कैसी होगी, ठीक है ठीक है। सवाल भी कर सकते हैं आप उनसे अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, ठीक है? सो इजाजत है आपकी। चलिए हम बुलाते हैं अपनी कंटेस्टेंट नंबर 1 यानी हीरोइन नंबर 1 को। आइए अच्छा अब आपने ना प्रपोज करना है मिकाल को, तो आप जरा अपने जज्बात का इजहार करें खुल के। हाय मिकाल। हाय। हाउ आर यू? आई एम ओके। हाउ आर यू? यू लुकिंग सो स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। आपको मालूम आप बहुत मॉडर्न दिखते हो और मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। यू नो खाना बना सकती हूँ, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल, every kind of food, you know. Food तो अच्छी बात है क्योंकि I'm hungry right now, so. Oh yes, मिकाल आपकी जो skin है बहुत glowing है. I think आप बहुत अच्छे और nice खाने खाते हो. और मैं आपकी बहुत fan हूँ. अल्लाह और अल्लाह में आपने इतना अच्छा perform किया. मैं आपके तमाम तमाम ड्रामे देखती हूँ. You know, मैं आपको गाना सुना सकती हूँ, dance कर सकती हूँ, बहुत कुछ। अच्छा फिर डांस तो हम करवाएंगे लेकिन आप गाना सुना दें। यस गाना सुनाऊंगी पंजाबी में। यू लाइक पंजाबी? नहीं नहीं वो हीरो की तो बात सुन ले। यू लाइक पंजाबी? आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? पंजाबी का कोई सा भी सुना दें। राइट, इसमें मेरे दिल की तर्जुमानी है मिकाल, काश तुम इसको समझो। ये आप प्रपोज करेंगे, उसको डांट रही है बेचारे को। काश ये तो लग रहा है, ये तो लग रहा है हीरोइन नहीं आई, कोई अलादीन का जिन निकल आया है। काश इसको समझो मिकाल। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपने। कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे? आप उससे कुछ पूछना चाहेंगे? आपका नाम? My name is Sweetie. 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 How sweet are you, Sweetie? Oh, thank you. Lot of thanks. Bundle of thanks. वो पूछ रहे हैं। नहीं कितनी sweet है आप? ये तो आप मुझसे मिलेंगे आपको पता चलेगा। ये आपके पास एक तोहफा है अब मिकाल के लिए, ठीक है? तो अब आपने मिकाल को इस तोहफे के बारे में बताना है। मिकाल और मिकाल आपने ये तोहफा भी ना साथ पेंट करना है कि आपके ख्याल में ये क्या चीज है जो कि ये आपको गिफ्ट करने वाली है। अच्छा मैं वैसे ही अंदाजा लगा लूं? आपने अंदाजा लगाया, इधर नहीं झांकना, आपने सीधे नजर रख के तो आपने अंदाजा लगाना कि पेंटिंग जो है ना बहुत बुरी है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। कोई बात, जिस गिफ्ट के बारे में अभी आपको बताने वाली है कि ये गिफ्ट आपको देने जा रही है, आपने उस गिफ्ट का भी एक थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि वो गिफ्ट क्या है। हीरोइन नंबर 1 का। चले जी, ये गिफ्ट क्या है? जी ये गिफ्ट इतना अच्छा है कि ये जिसके पास हो या जो ऐसा बनने की कोशिश करे वो हर जगह अपनी जगह बना लेता है। और इसकी और भी बड़ी खूबी है, इसके बगैर हर इंसान अधूरा है। और इसको आप छुपा कर रखते हैं। और ये जो है इसका नाम ऐसा है कि जब आप इसको किसी का नाम देंगे तो वो ऐसे गुस्सा कर जाता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है और हर इंसान की जरूरत है। सो इसलिए मैंने आपके लिए ये गिफ्ट रखा है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हीरोइन नंबर 1। सो आइए हम मिकाल कुछ पूछना तो नहीं है ना आपने? नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। आज आप इधर आ जाइए। थैंक यू, नाइस टू हियर योर वॉइस। थैंक यू मिकाल, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, okay. आइए जनाब हमारी हीरोइन नंबर 2, आइए। सांवरिया हो दिनवा दिनवा मैं करूं, आएंगे सांवरिया हो कब आएंगे सांवरिया हो दिनवा। देखें मैं ये गाना इसलिए गा रही हूँ कि ट्यूसडे आता है 8 रोज के बाद, और ट्यूसडे के दिन इनका एक प्ले चलता है अलिफ अल्लाह और इंसान, और वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, जब उसके हीरोइन इनसे बदतमीजी करती है तो मेरा दिल चाहता है उसको निकाल के बाहर फेंक दूं हीरोइन को। मतलब इतना अच्छा हस्बैंड दिखा रहे हैं, इतना फर्मा बरदार और इतना पुरवकार इंसान, तो मैं तो इनकी बहुत फैन हूँ। मेरा बस चले तो मैं इनके लिए सारे तारे तोड़ के ले आऊँ। हाय 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 हाय, इनके लिए बिरयानी बना के खिलाऊं इनको, और इनके हर काम ऐसे करूं कि बस सारा आंखों पर। बिरयानी तो मुझे अच्छी नहीं लगती। चले जो आपको अच्छा लगता है वो बता दें, मैं आपको वो बना दूंगी। अच्छा, आपको गाना भी सुनाऊंगी, आपके कमरे का हर काम, आपके घर का हर काम। बस आप समझ लीजिए कि आपके एक फर्मा बरदार जो है ना, एक लवर आ गई है। लवर, अच्छा वाह। लवर से आगे नहीं जा रही हैं आप प्रपोज तो करें? प्रपोज हो सकता है काम बन ही जाए। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये उन पे भी डिपेंड करता है ना कि पता नहीं उन्हें कौन पसंद आए। तो वो पसंद करने बैठे हुए हैं ना आप उन्हें? मैं तो उनसे बहुत लव करती हूँ और उनका हर ड्रामा बड़े शौक से देखती हूँ और बड़े जो है ना मतलब इंतजार करती हूँ, और उस दिन का इंतजार करती हूँ जब वो स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है, तो मेरा दिल चाहता है कि उनके लिए एक गाना गाऊँ। अच्छा, अभी दोबारा गाना गाएं? हाँ एक गाना और। चले गाना गाएं जी, गाएं। वो आपको आपकी हीरोइन नंबर 2 है ये हमारी मिकाल। अच्छा ठीक है, ठीक है, और आपने उनको पेंट भी करना है जी। आज इसी खुशी में एक खूबसूरत तोहफा लेकर आई हूँ जो मैं अभी आपको पेश करती हूँ मिकाल, और आपने इस तोहफे को कबूल करना है। ये वो तोहफा है जिसके बगैर खातून जो है अधूरी है, औरत अधूरी है, और जो भी औरत है खातून है, मतलब उसका ताल्लुक इससे बहुत गहरा है। और ये वो चीज है जो डेली इस्तेमाल होती है, और इसके बगैर जो है मिकाल को क्या फर्क पड़ेगा इससे? मतलब आप उन्हें तोहफा दे रही हैं। ज़ाहिर है तोहफे में कोई भी चीज दे वो तो तोहफा ही है ना। ठीक है, तो वो अगर इन्हें कबूल कर लेंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर होगा। ठीक है, और मैं चाहूंगी कि वो मेरे हाथों से ही ले लें। आपके हाथों से तोहफा कबूल करें। चले जो भी है, आखिर मैं उनकी चाहने वालों में हूँ। ठीक है, और उनको मतलब प्रपोज करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज ये मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। जान जी आप अपना इंतखाबी निशान के साथ यहाँ साइड पे आ जाइए। हमारी तीसरी उम्मीदवार जो है वो भी, हाँ इंतखाबी निशान। अच्छा, आपने इंतखाबी निशान भी गेस करने हैं साथ साथ। अच्छा, अच्छा, कि वो क्या इंतखाबी निशान है। अच्छा, हमारी कुछ और भी हीरोइंस हैं, और सिर्फ ये नहीं बहुत सारा कुछ और है जो कि आज हम मिकाल को भी सरप्राइज देने वाले हैं और आपको भी। सो रहिएगा साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस। खुशामदीद, 2 हीरोइंस जो हैं वो आ चुकी हैं। मिकाल उनको अभी मिले नहीं है, लेकिन तीसरी इजाजत है मिकाल। तीसरी हीरोइन हम आपके लिए पेश करें जो आपकी बहुत फैन है। अच्छा जी जी, आइए जी हमारी तीसरी हीरोइन आए। चले जी, वालेकुम सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये बात बहुत सच्चे दिल से कह रही हूँ, और मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाइव देखा है और मैं इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपके लिए गाना गा सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, जो भी आप कहें वो कर सकती हूँ। लाइव जाने मैं वो कहे मेरी टांगे दबा लोगी? सब कुछ करने को तैयार हूँ, वो एक दफा कह के देख। गला भी दबा दोगी? अच्छा, यही तो मसला होता है औरतों का यार। अच्छा, बताएं मैं आपके लिए गाना भी गा सकती हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया आपने। अब आपने ये तोहफा भी तो उनको जो देना है। हाँ, ये एक आपके लिए गिफ्ट है, और वो ये है कि ये औरतों के बहुत ही काम आता है, खास तौर पर किचन में जब वो रोटियां बनाती हैं। और इसके अलावा जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है वो स्पेशल कीमे के पराठे हैं, आलू के पराठे हैं, जो आपको खा के बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप कहें अगर आप मुझे चूज करते हैं तो मैं आपको हर किस्म के पराठे बना के खिला सकती हूँ। क्या बात। आइए जी, हीरोइन नंबर 4 आए हमारी। आइए आइए जल्दी से, और जल्दी से आपने एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग। आप मिकाल को नहीं देख सकती, वो सामने। अच्छा हाँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम योर बिगेस्ट फैन, सीरियसली। और जब मैं आपके ड्रामे देखती हूँ और मैं अपने आप को भूल जाती हूँ, और यकीन करें आपकी वजह से मेरी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। ये तो अच्छी बात है। और सीरियसली मैं अपने एमफिल के ग्रेड्स आपकी वजह से ले नहीं सकी हूँ। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। और दूसरा ये कि मैं गा तो नहीं सकती इतना अच्छा, लेकिन आपको गवा जरूर सकती हूँ, तो मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, कौन सा गाना? कोको कोरीना। चले आप स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप स्टार्ट करें। आप स्टार्ट। ओके। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली वाली सी, देखती मेरे व्यू। आपकी आवाज कहाँ है? वर्ड्स नहीं आते मुझे। अरे पर्दा वो कह रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ, पर्दे में ही रहने दो। अच्छा तो मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाई हूँ जो आपको गेस करना है। उससे वो एक फीमेल्स के लिए तो बहुत ही काम देता है, और ऐसा है कि मेरी अम्मी ने भी मुझे ये सिखाया है कि इससे खाना तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इससे बढ़ती भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत प्यार की भी। आपके लिए तो ये बहुत प्यार की पड़ेगी आपको। और अब आप प्लीज कुछ कहें इस बारे में, मैं आपको सुनना चाहती हूँ, तरस रही हूँ। बड़ी खतरनाक बात कर दी आपने, पता नहीं कि क्या जूते क्या पढ़ते हैं, इससे खाने भी अच्छे बनते हैं, मार भी पड़ती है। अच्छा, लेकिन और भी तो बहुत सारे काम आता है ना, और भी बहुत चीजों के काम आता है। बहुत सारे लोग भी तो इसलिए जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप, लेकिन मुझे नहीं लगता आप इसके जैसे सीधे होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग इसके जैसे होते हैं। आप फरा देखिए, सब लड़कियाँ सब औरतें लेकर आई है, औरतों वाली चीजें। मैं तो ऐसी चीज लाई हूँ, औरतें भी इस्तेमाल करती है और मर्द भी। आजे जनाब, क्या बात है। और भी है। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी आखिरी हीरोइन है, ठीक है, पांचवी हीरोइन नंबर 5 जी। हाय मिकाल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? और सुनाओ, इतने दिन कहाँ गायब थे? देख लो, तुम्हारे पीछे मैं कहाँ नहीं गई, हर सड़क हर गली में तुम्हें ढूंढा, पर यहाँ मिले। इसलिए तो मैं लाहौर से बाहर चला गया था। तो मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए? किराया नहीं था डबल का? सॉरी, आपके लिए किराया नहीं था मेरे पास। बस देख लो, सच्ची मोहब्बत का यही सिला। आप प्रपोज तो करें। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ। पहले प्रपोज करना आपने। अच्छा हाँ। फिर क्या इरादा है मेरे बारे? कराया तो भर नहीं सकते, लाइफ पार्टनर तो बना सकते हो। आई एम सॉरी, इतनी जल्दी मैं ये फैसला नहीं कर सकता। कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। अच्छे होते हैं, देर ना हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर होगी खैर है। अच्छा जी, तो आपको प्रॉप दिया जाए आपका। आपने ये तोहफा मिकाल के लिए, मैं आपके लिए एक बहुत खास तोहफा लेके आई हूँ, जो नियत भी साफ कर देता है और घर भी। तो पहले आप क्या साफ करवाना चाहते हैं, नियत या घर? घर कर देना पहले। चले सही है, दोनों मिलके करेंगे यार। सही, आ जाइए यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। सो हमारी ये 5 हीरोइंस, और अपने अपने तकाबी निशान के साथ। तो आपने बना लिए स्केचेस? हाँ, मैंने 4 बनाए हैं। 5वीं का नहीं बनाया? नहीं, 5वीं का। जल्दी से आप 5वीं का भी बना लें। हाँ, 5वीं का भी बना लें आप। आपके जहन में 5वीं का क्या विजुअल है? सबसे ज्यादा खौफनाक तो उन्होंने ही आपको प्रपोज किया, खुल खुला के। एक सेकंड मैं देख लूँ, शायद मैंने 4 बनाए हैं या 5 बनाए हैं, देख ले। 4 है या 5? बहुत बुरी मेरी ड्राइंग्स हैं। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता आप किसी को दिखाएं मेरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बनाए तो सही। 5वीं हीरोइन का एक जल्दी से रफ सा स्केच फौरन से बनाए। अच्छा भाई, उन्होंने आपकी तस्वीरें निकाल, इतना ही टाइम मिलेगा। चलें, बस काफी है, बना लिया मैंने। बना लिए, तो आ जाइए आप। अच्छा, अब आपकी फेवरेट हीरोइन इनमें से कौन सी है? नंबर 1, नंबर 2, कोई भी नहीं है? किसी एक को तो पसंद करना। क्यों करूं भाई? भाई करना आपको कर लिया। चलें। नहीं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? How are you? So, ये आपने किसको पसंद किया? किसी एक को नंबर बता दें। हीरोइन 1, 2, 3, 4, 5 सारी बहुत अच्छी। नहीं 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 जस्ट 1 4 जायज है ना, ठीक है 5 हो जाएंगे। 5 कोई रूल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। नहीं फिर भी कोई नेम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3 नंबर 3 1, 2, 3 और कैसी हैं? ठीक हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। What's your name? अरूज। अरूज। Yes। और अरूज ने आपको देखें कितना पसंद किया, ये सामने बैठी हुई थी, बाकी आपकी बहुत डाई हट फैन है। अच्छा। ये जो अभी गाना गाया ये नेचुरली अभी मेरे माइंड में आया, जब भी आपका ख्याल आया तो ये गाना आ गया। अपना तोहफा तो पेश करो ना, ये ले चिमटा। थैंक यू सो मच। आपने गेस किया था कि ये तोहफा होगा? हाँ ये मैंने गेस कर लिया। अच्छा ये हमारी हीरोइन है जी, हीरोइन नंबर 1 है। हाँ ये हीरोइन नंबर 1 है, ये हीरोइन नंबर 1 है। आ जाए हीरोइन नंबर 1। हाय मिकाल। हाय हाउ आर यू? प्लीज सेल्फी। ये टिच। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। अरे ये आपकी उन्होंने बनाई है? सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, मैं आपके हुस्न का ना वो कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है आपने बनाई है, मेरी ही होगी। चले थैंक यू। अच्छा ये हीरोइन नंबर 2 आइए। नंबर 2 नहीं ये 2 ये है। 2 कौन सी है? ओ ये पहले कुछ बनाया था फिर मैंने उसको काट दिया, ये हीरोइन नंबर 2 वैसी एक स्माइल देखिए काफी है, क्यूट सी एक शक्ल मैंने बना दी। बिल्कुल सही। सो इन्होंने हीरोइन नंबर 2 हमारी जो है। और नंबर 3 कौन थी? आइए। वाह भाई वाह, यकीन था, पूरा यकीन था कि ये देखिए मैंने गेस भी सही किया। चिमटा भी सही गेस किया। पर आज मुझे पूरा यकीन था कि मैं इनका दिल जीत लूंगी। अरे वाह। लेकिन ये दिमाग में रखना सिर्फ प्रोग्राम की हद तक। अच्छा वाह क्या क्यूट, उन्होंने आपको सिंड्रेला बनाया है यहाँ पे। ये सबसे मैंने मेरे ख्याल से क्लोजेस्ट जो है मेरी। गेस किया। अच्छा और हीरोइन नंबर 4। Oh my God! I look like this? Seriously? No, I'm a very bad drawer. Actually, I'm a very bad artist. No, you're not. लेकिन आपके लिए। But आपने कुछ पर्दे। Great, I can start a house now. मेरा गिफ्ट तो आपने पूछा सारा दे दिया। बड़ी मेहरबानी, thank you so much. और ये हमारी हीरोइन नंबर 6। भी पहले पता होगा। शुक्र करो तुम्हारी मुझे बना दी। नहीं है ना, यही तो गलती हो गई है। लेकिन बालियां भी दी हैं साथ में। 5 नंबर। कैसी बालियां नजर भी नहीं आ रही। तो कैसी लगी अपनी तस्वीरें? उनका गैस देखो कितना एक्यूरेट है। चलो कोई बात नहीं, दिल से बनाया जो भी अच्छा है। अरे क्या बात। और गिफ्ट आपके लिए है। मेहरबानी। ये मैं सब घर लेके जा सकता हूँ, ये चीजें घर में काम आ जाएंगी एक्चुअली। नहीं बहुत शुक्रिया, ये पकड़ लो भाई, आप लोग ये सब कुछ पकड़ लें, अपने अपने गिफ्ट जो वापस ले लें। थैंक यू सो मच। अच्छा सिर्फ ये नहीं, हमने कुछ और मजे की एक्टिविटीज, और मतलब ये है कि हमारा प्यारा सा हीरो, हमारे जबरदस्त सा एक्टर जिसको हम सब बहुत पसंद करते हैं और आजकल माशाल्लाह अपनी फन की बुलंदियों की तरफ है, हर ड्रामा हर चीज जो आ रही है वो हम सबको बहुत अच्छी लग रही है। सो हम उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करें और इनको ये फील एहसास दिलाएं कि वी ऑल लव यू वेरी मच। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस। खुश आमदीद। हमारे बहुत प्यारे से मिकाल जुल्फिकार मेरे साथ हैं। मिकाल, हमने लड़कियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है ना वो आज पाकिस्तान की सब खूबसूरत हीरोइंस, तो इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब आपने करना हो, दोस्ती के लिए कह लें, डेट करने के लिए कह लें, प्रपोज करने के लिए कह लें, पसंदीदगी के एतबार से, तो किसको करेंगे? माया अली। दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों के साथ काम भी किया हुआ है। माया बहुत स्पेशल वन, माया बहुत क्यूट है। ओके सो वी विल कीप माया। और आयशा को हम चेंज करते हैं महविश के साथ। अच्छा so, अब पिक करना है आपने। महविश इज द यू नो काइंड ऑफ हॉट हीरोइन ऑफ द टाइम, और बहुत अच्छा काम भी करती हैं। आई हैव आल्सो वर्कड विद हर बिफोर। ठीक है लेकिन आई विल कीप माया फॉर नाउ। यू विल कीप माया, ठीक है। क्या बात है, हमें आहिस्ता आहिस्ता ना मिकाल की पसंद का पता चल रहा है। सो हमारी बाकी हीरोइंस क्यों आ रही हैं इसमें से बाहर। सो अब आपको पसंद करना है मावरा में से और माया में से। मावरा अगेन रिसेंटली उसने काम शुरू किया है एंड शी इज डूइंग रियली वेल। ठीक है उसके साथ भी मैंने काम किया है एंड शी इज आल्सो वेरी नाइस, बट आई विल स्टिल कीप माया आई थिंक फॉर नाउ। यार ये क्या हो रहा है, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा जी, so अब हमने उष्णा शाह, हाँ उष्णा मेरी जिम बडी भी है, वी गो टू द जिम टुगेदर, और उष्णा से दोस्ती भी अच्छी है। ठीक है, इंतखाब की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे अगर चूज करना हो, so I think we'll let go of Maya. Okay. And we'll keep Ushna now. Okay, you'll keep Ushna now. Good. Gym buddy होने का फायदा है भाई. So Suhaai Ali Abro. Suhaai is also a sweetheart. She started her career with me. हाँ. और जो इसका पहला play था, वो भी मेरे साथ था. फिर दूसरा इसका जो major role था. ठीक है. And she's also very nice. But I think I'll stick with Ushna for now. Ushna, वाह क्या बात है. अच्छा जी, so अब हमने change कर दिया है. Aisha. Aisha और Ushna में मुकाबला है. आयशा को एक रिसेंट शो में मैंने गलती से एक्स्ट्रा कह दिया विच इज़ नेवर लेट मी हेयर द एंड ऑफ, तो अब आयशा को नंबर 1 बना देते हैं और उष्णा को जाने देते हैं। ये जी आपने पॉलिटिकल डिसीजन नहीं करनी है, आपके दिल का फैसला। सबको खुश रखना है। Somebody would like to date with, किसके साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे, किसके साथ कोई आयशा मेरी बड़ी है, ठीक है आयशा ठीक है, आयशा ठीक है, सो उष्णा को चेंज कर दें। सही, फराह ने सोच लिया है कि आज जो है so हमने she's gonna send someone home with me I think really yeah we are trying our best। चलो जी, अब ज़ारा शेख और आयशा खान। आयशा, आयशा you'll still keep आयशा। yeah so अगर एक ऑप्शन और दे दे हम, oh सजल, सजल बड़ी अच्छी ऑप्शन है यार, सजल को रख लेते हैं, सजल को रख लेते हैं। so हम फाइनल कहें कि you stick with सजल, I'll stick with सजल then finally final option yeah हाँ done yeah ठीक है। नहीं ना इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे हम आपको ये। so अब नीलम और सजल में से नीलम is also very nice लेकिन सजल जो है she's a great actor, very hard working person, a good human। हमें कास्टिंग में नहीं रखने के लिए कहा, हमने दिल में रखने की बात की है। ठीक है, अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो सजल को रख लेते हैं, सजल को रख लेते हैं। ठीक है, सो नीलम हमारी बहुत प्यारी सी नीलम और मायरा खान और सजल। अब मैच देखना, ये अच्छी अच्छी डिसीजन पे मैं ले आया हूँ बात को। ये अब आपने मुश्किल कर दिया है चूज करना जी, तो चूज वन। I'll go with Maira. You go with Maira. End में आपने क्यों रखा Maira को? So जनाब जो final इन्होंने choose किया है अपने लिए वो है Maira। तो हम कब expect कर सकते हैं कि Maira के साथ कोई film आने वाली है? अभी जाती जो है मैं Maira को announce करता हूँ। हाँ। The good news और कि Maira I would like to date with you. हाँ। I would like to go out with you. मगर वो कौन सा बंदा है जो Maira से नहीं दोस्ती करना चाहता है? ये तो है। Maira is got a great personality. Yes. And she's very down to earth and again very good at what she does. बिल्कुल सही। तो कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई फिल्म आएगी, कोई ड्रामा? देखिए कुछ बातचीत चल रही है on a couple of projects, let's see. ठीक है। Hopefully हाँ। चलिए good जी, जबरदस्त। अब आप जरा इधर आ जाइए। मैंने सुना है कि आपको आपके गानों का टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, गलत सुना है लेकिन चलें। तो अब मुकाबला है हमारे गानों का, ठीक है? तो आप एक गाना चलाएंगे और वो गाने का जो है पहला क्या कहते हैं अंतरा मुखड़ा चला के आप रोक देंगे और आगे से हमने गेस करना उसके लिरिक्स क्या है। अच्छा, और वो गाना है अच्छा। मेरे और आपके दरमियान। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। चले जी, पहला गाना आप यकीनन जीत जाएंगे सोनिया तू हुस्ना दी सरकार नी, कुल मिला के सोनिया तू हुस्ना दी सरकार। प्ले करो, ये यही है, प्ले करो यही गाना है या कोई और है? ये कौन है? अच्छा। हनी सिंह। निका सिंह का गाना है, बिलाल सईद का गाना है। बिलाल सईद का गाना है। चलिए जी, दूसरा गाना प्ले करें और गाना जो है उसे सही प्ले करें। दूसरा गाना प्ले करें। मिलन आयो शक्कर बंडा दे मेरा पिया मुझसे मिलन आयो। चले दोनों ने गेस कर दिया, एक एक पॉइंट हो गया। आगे लिरिक्स नहीं आते लेकिन होम अंजान का गाना है। अच्छा जी तीसरा गाना बाबा अभी तक मैं जीत रही हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था मैं। नेक्स्ट सॉन्ग सॉरी इसका आगे नहीं आता हमें क्या गाना है। अच्छा जी नेक्स्ट सॉन्ग मेरा हो न सका तो बुरा क्यों मानूं इसको हक है बहुत पुराना वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं उसको हक है कि मुझे ठीक है मुझे देंगे वोट इस पे ठीक है मतलब आप मानेंगे कि मैंने गा लिया ये गाना। अच्छा जी आप जैसी ऑडियंस होनी चाहिए जजेस आप जैसे होने चाहिए सही। अच्छा नेक्स्ट गाना लास्ट सॉन्ग ये जानबूझ के आपने ये गेम रखी है वाह जी वाह ये जानबूझ के आपने ये गेम रखी है। नहीं सीरियसली देखिए एक भी नहीं गेस किया मैंने। आपने जानबूझ के नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं आते थे। यू आर एक्टिंग डीसेंट। नो 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 आई रियली डोंट नो दिस सॉन्ग्स। वाकई तो फिर आपको गाने तो बहुत अच्छे आते हैं बहुत प्यारे आते हैं। इसी के ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आप मिकाल का एक खूबसूरत सा गाना भी सुनने वाले हैं और सॉरी मिकाल लेकिन कुछ चुपते कड़वे अच्छा? कुछ नापसंदीदा सवाल अच्छा हाँ, कुछ कड़वी गोलियां भी निकलनी पड़ेगी अच्छा, ठीक है सो हम एक ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद। सो हम हैं आज मिकाल जुल्फिकार के साथ जो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा हैंडसम होते जाते हैं कोशिश कर रहे हैं ज्यादा ग्रूम होते क्या कोशिशें करते हैं आप कैसे मेंटेन करते हैं? कुछ नहीं आई रिसेंटली एक्चुअली स्टार्टेड अ गुड लाइफस्टाइल इन द सेंस के अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज। मसलन क्या खाते हैं खास तौर पे? मसलन अगर पतला होना है तो फिर वही चीजें खानी पड़ती हैं बॉइल्ड। इनको पतला होने की जरूरत है चीजें और नहीं हमें नहीं, तो लगता परफेक्ट है। यू जस्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच। नहीं जस्ट टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल मतलब उसमें फिर आपको परहेज करना पड़ता है ऑब्वियसली चीजों से लेस कार्ब्स मोर प्रोटीन ज्यादा हेल्दी चीजें फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जितनी हो सके। प्यार व्यार से परहेज कर रहे हैं आजकल? आजकल थोड़ा सा दूर भाग रहा हूँ चले। अच्छा लेकिन कुछ सवाल है मेरे पास हाँ चले तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ कभी नहीं या हाँ की ठीक है और हम दोनों ये सवाल जो इनके जवाब सवाल बड़े टेढ़े मेढ़े अच्छा चले ठीक है तो शुरू करें। शो ही टेढ़ा मेढ़ा सा आज तो सो डोंट माइंड प्लीज इट्स ओके। आजकल लोग जो आई एम ट्राइंग टू हैव फन विद द शो या श्योर प्लीज। अच्छा अपने से बड़ी उम्र की औरत से कभी प्यार हुआ यानी अपने से बड़ी उम्र के किसी भी बंदे से? हाँ हाँ तो हम दोनों का हाँ है भाई। बैक वक्त दो लोगों से प्यार हुआ? हाँ नहीं वैसे कभी नहीं चेंज किया? नहीं नहीं सही कह रहा हूँ कभी नहीं चेंज किया। एक वक्त पे एक ठीक है एक वक्त में एक ठीक है मगर हो तो जाता है ना? नहीं ऑनेस्टली नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं ऑनेस्टली नहीं हुआ। अच्छा ब्रेकअप के बाद बंदा होता है ना ब्रेकअप को 2-3 महीने गुजर गए या एक आध महीना गुजर गया 10 दिन गुजर गया बंदे को अचानक ही वो बंदा तारी हो जाता है दोबारा से और फिर उठा के उसे फोन कर देता है कभी ऐसे किया? ब्रेकअप हो गया ब्रेकअप के बाद नहीं आई थिंक एक दफा तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग लेकिन फिर कभी आई एम लाइक दैट मतलब खत्म हो गया तो बस खत्म लेकिन 10 दिनों के बाद ख्याल आया हो कि नहीं वो अगर बिल्कुल खत्म ना हुआ हो तो फिर कर लेता हूँ नहीं ऑब्वियसली जब अनबन अगर हुई हो तो पहल करने में मैं बुरा नहीं समझता। बिल्कुल सही। अच्छा सच्ची मोहब्बत मिली? मिली हाँ बिल्कुल मिली, बहुत सारे लोगों से मिली। सच्ची मोहब्बत मिली, मैं कहना चाहूँगी मतलब लोगों से, हाँ बहुत मिली, लोगों से मिली। आपको सच्ची मोहब्बत मुझे अपनी, जो बंदा कहता है यार दिस इज माय ट्रू लव, या ट्रू लव्स फर्स्ट किस, हाँ मतलब मेरे बच्चे, माय किड्स, माय डॉटर्स। कभी प्यार में किसी का दिल तोड़ा? गलती से तोड़ा होगा, गलती से तोड़ दिया होगा, लेकिन कभी जानबूझ के नहीं। जानबूझ के नहीं, बिल्कुल सही। कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा? हाँ बहुत दफा रोज टूटता है रोज टूटता है, मतलब भले उस सेंस में नहीं, लेकिन मिकाल ये कैसे हो सकता है, मुझे थोड़ा सा नुक्ता समझा दें। एक किसी भी बंदी को किसी बंदे में और क्या चाहिए हो सकता है जो मिकाल के पास नहीं है? नहीं पता नहीं, ऐसा नहीं है। I mean, no one is perfect. Yes, I know no one is perfect, but still कोशिश करते हैं। कोई कैसे दिल तोड़ सकता है आपका? नहीं ठीक है, हर बंदे का मतलब अपनी पसंद होती है लोगों की। सही, गुड। अच्छा जी, कभी आपने खुदकुशी की कोशिश की, मरने को दिल चाहा तो आपने? अच्छा, मैंने तो की कभी भी नहीं, मैंने तो सोचा है कई दफा, तो रोज सोचती यार मर ही जाना चाहिए। नहीं मुझे वो, अच्छा हाँ नहीं, मैं ये जरूर कहूँगा कि पहले मैं बड़ा क्वेश्चन करता था कि यार लोग कैसे सोच सकते हैं खुदकुशी का। फिर एक पॉइंट पे मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो गई थी कि मतलब लोग कैसे उस सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं शायद। लेकिन मैंने खुद कभी नहीं सोचा, कभी सुसाइडल नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल। ऑलवेज लर्न टू डील विद द सिचुएशन। गुड, बहुत जबरदस्त बात है। अपने से छोटी उम्र के बंदी से कभी प्यार हुआ? हाँ आजकल तो बहुत हो रहा है मतलब आजकल हो रहा है। आई थिंक हाँ, यंगर या गुड। कभी किसी फैन के साथ डेट की हो? नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो इतने फैंस बड़ी रिस्की होती हैं क्यों? फैन के साथ बात कर लो वही काफी होता है। वो गले पड़ जाते हैं। हाँ, हाँ वो आपकी जान लेने पे आ जाते हैं। जैसे कभी खून से किसी ने खत लिखा? खून से नहीं लिखा, लेकिन बहुत जो है ना कुछ फैंस होते हैं जो बहुत जानलेवा होते हैं। हाँ मतलब बहुत ज्यादा फोन्स करना है, मैसेजेस करने या कोशिश करना, तो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल होता है। अच्छा, कभी मोटरवे पे ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए? हाँ बहुत, हर दफा हर दफा। मैं भी बल्कि बड़ा बच के जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन पकड़ा जाता हूँ। हाँ, मैं भी हर दफा। अब तो मेरे घर वालों को पता है, वो दूर से मुझे बताना शुरू कर दिए, खड़े हैं पुलिस वाले, खड़े हैं पुलिस वाले, खड़े हैं। अच्छा जी, गुड। कभी लड़कियों को छेड़ा जवानी में, मतलब छेड़ता है? नहीं, मैं छेड़ने वालों में से कभी नहीं था वाकई। नॉट मतलब कोई पसंद आए बात करने की कोशिश की एक तमीज से, मतलब, लेकिन छेड़ा नहीं कभी। कभी किसी को नहीं कहा ओए? नहीं इस तरह कभी नहीं, चिचोर पना नहीं। अच्छा कभी नहीं। कभी कॉलेज बंक करके डेट पे गए? जरूर गया हूँगा, याद नहीं आ रहा लेकिन जरूर गया हूँगा कॉलेज बंक करने का तो कोई भी बहाना चाहिए होता। नहीं लेकिन कॉलेज बंक करके डेट? हाँ जरूर गया हूँ किसी के हाथ। अच्छा वाकई? तो आप शुरू से ही हीरो थे? नहीं हीरो नहीं था, लेकिन ठीक है मतलब जिंदा दिल था। हाँ जिंदा दिल है, ठीक है। अच्छा, कभी किसी लड़की ने, वो होता है ना कि जज्बात में आके ठाश थप्पड़ मारा हो किसी उस पे? हाँ बहुत लड़कियों से बहुत मार पड़ी है वाकई में बहुत मार पड़ी है क्या? वाकई में? हाँ मतलब लड़कियां होती बड़ी जज्बाती हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी लड़कियां तो थप्पड़ लगा देती हैं। ओह यार लड़कियां बहुत थप्पड़, तो बल्कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है अच्छा, कभी किसी लड़की की खातिर मार खाई? मार नहीं, मैं आई एम नॉट अ फाइटर। नहीं आप तो नहीं लड़े? लड़की की खातिर खा सकता हूं, लेकिन कभी खानी नहीं पड़ी। वो उसके साथ तुम? हाँ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं मैं उस तरह का कॉन्फ्रेंटेशनल नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो हाँ। कभी किसी की खातिर मार खाने की नौबत नहीं आई? मैं तो अभी नौबत नहीं आई। हाँ पता नहीं अगर खाऊंगा नहीं, मुश्किल है। अच्छा कभी उसी को आगे कर दूंगा मैं, खुद का मार। अच्छा कभी वो अब्बा ने पकड़ा हो तो झूठ बोला हो सिगरेट? अब अब्बा देख रहे होंगे, अब बता दूं मैं क्या अब्बा को? नहीं, my father and I have a very good relationship. He's like a friend and also a father. और वो समझाते भी हैं, बुरी चीजों से मना भी करते हैं। और आप मना हो जाते हैं? हाँ नहीं होता तो नहीं हूँ लेकिन but he's a friend to me, so his guidance has been very important in my life. Very important. अच्छा, एक आपके अब्बा और एक माशाल्लाह से आप खुद अब्बा, एंड जहाँ तक मुझे पता है यू आर अ गुड फादर। आप बच्चों को, यू ट्राई टू बी, व्हिच इज वेरी गुड। सो आप कैसे अपने आप को उनके मुकाबले में देखते हैं? वो ज्यादा अच्छे अब्बा हैं कि आप ज्यादा अच्छे अब्बा? नहीं, मेरे ख्याल से हर अब्बा अपनी जगह जो है वो भरपूर कोशिश करता है। आप भी रोकने वाले, डांटने वाले? नहीं, मैं डांटना तो नहीं हूँ। आई एम अगेन लाइक आई थिंक जो सिमिलैरिटी है कि आई एम आल्सो अ फ्रेंड टू माय डॉटर्स, ठीक है, और बहुत एक फ्रेंडली अंदाज में ही उनसे गुफ्तगू भी करता हूँ और उनके साथ खेलता भी हूँ। एंड आई ट्राई माय बेस्ट, यू नो। ठीक है, इम्तिहान में नकल की कभी? नकल करते हुए पकड़े गए? पकड़ा नहीं गया लेकिन की है। अच्छा, मैंने नहीं की। इम्तिहान में फेल हुए हैं कभी? हाँ, बिल्कुल हुआ हूँ। अच्छा, मैं नहीं फेल हुई, इसलिए तो मॉडल हूँ और एक्टर हूँ। अच्छा, कभी किसी की पार्टनर, गर्लफ्रेंड, किसी की मोहब्बत पे नजर रखी? नहीं, कभी भी नहीं। अब बिल्कुल बिलीव भी नहीं करता। मेरी हो जाए ना बंदी किसी तरह? नहीं नहीं नहीं, कभी बिलीव भी नहीं किया इस पे। जो है किसी की वो ठीक है, उसी को मुबारक, किसी की मानत है। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदी जनाब, आज हम मिल रहे हैं मिकाल जुल्फिकार से। मिकाल जुल्फिकार कौन है? मिकाल जुल्फिकार एक एक्टर है और आजकल वो क्या किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? आजकल जो है वो 2-3 नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जिसमें से पहले का नाम है देजाजत। गुड। और एक खसारा है, नया प्रोजेक्ट जो मैं कराची में शुरू करना जा रहा हूँ आज रात को। गुड। अच्छा, मिकाल जुल्फिकार पाकिस्तानी फिल्मों को इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं देता? नहीं, बिल्कुल देता है, बल्कि इंशाल्लाह जनवरी में मेरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द रिलीज डेट येट, पहली फिल्म आ रही है इंशाल्लाह। इट्स कॉल्ड ना बैंड ना बराती। वाह, ना बैंड ना बराती। ना बैंड ना बराती कॉमेडी फिल्म है, 2 भाइयों की कहानी है। इट वाज शॉट इन कनाडा लास्ट ईयर, ठीक है, और उसमें थोड़े से डिलेज आ गए थे क्योंकि वो अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून इट्स गोइंग टू बी कमिंग आउट, देखेंगे, ठीक है। और दूसरी फिल्म एक है जो तकरीबन 70-80% कंप्लीट हो गई है, सही, उसका टेंटेटिव नाम द ट्रायल है, 1971 की कहानी है वो, ISPR के साथ। वाह, गुड। सो इसमें आप हमें वेरी सीरियस टॉपिक, उसमें बड़ा हीरोइक किस्म का रोल है मेरा, फौजी नजर आएंगे, नॉट फौजी बट एक्शन रोल है। अच्छा, एक एक्शन रोल है, गुड, जबरदस्त। द ईयर इंशाल्लाह आई एम डूइंग अनदर फिल्म विद द फोर्सेस जो जल्दी अनाउंस हो जाएगी, व्हिच इज अनदर बिग प्रोजेक्ट। सैड क्वेश्चन, आपकी अलहदगी हुई, उसके बारे में फैन स्टेटमेंट गूगल में जो आप देना चाहें? मैंने कभी कोई स्टेटमेंट इसके बारे में दी नहीं, मैंने सिर्फ अनाउंसमेंट दी थी और इट्स अ पर्सनल मैटर। बल्कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे और शायद आर्टिकल्स वगैरह हैं वजूहात अलहदगी की जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ना मैंने बोले। जो भी वो रीजंस हैं वो मेरी अपनी पर्सनल रीजंस हैं, फॉर मी, माय फैमिली टू नो, और दैट्स इट। थैंक यू। अच्छा, अब हमने एक्टिंग स्किल्स हैं हमारे, अच्छा, एक्टिंग भी नहीं बल्कि याददाश्त का, स्पॉन्टेनिटी का। Alright. ये नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स देखेंगे कितने आते हैं। सवाल पहला नेम हमें बताएंगे, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे जितने नंबर्स होंगे उतने काउंट करके हमने वो चीजें करनी होंगी। अच्छा, जैसे पहला सवाल क्या है? नेम, जल्दी से, लड़कियों को छेड़ने के तरीके, इसको चलाएं ताकि हमें पता चले चलाएं कि कितने तरीके आप बताएंगे। सो आप हमें बताएंगे, हम मान लेते हैं 3 तरीके। चलो, 3 तरीके लड़कियों को छेड़ने के, जैसे मैंने कहा लड़कियों को 3 तरीके, वैसे कभी छेड़ा नहीं है लेकिन चलें, अगर छेड़ना पड़ता तो एक आपने बताया था, हाँ, कैसे? क्या था? आई कैन विसल, तो मे बी आई कुड हैव विसल। हाउ विल यू विसल? ओके, या, ओके, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड जस्ट हे बेबी, हे बेबी, गुड, जबरदस्त। आइए, अम्मी के मारने के हथियार। अम्मी के मारने के हथियार, हाँ, कितने? वो तो पूरे घर का सामान होगा, 5 पे ही रुकेगा, 5 पे रुकेगा। अम्मी जूतों से भी मार सकती हैं, हाथों से भी मार सकती हैं, प्यार से भी मार सकती हैं। अच्छा जी। और कोई बर्तनों से भी मार सकती हैं, ठीक है, और दरवाजे से भी मार सकती हैं कि दरवाजा, घर का दरवाजा ही बंद कर दिया। वाह, क्या बात है, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ना जाने के बहाने। ये भी 100 होंगे। अच्छा, 100 का नंबर नहीं है इस पे। ओए ओए ओए, एक बहाना। अच्छा, एक मैं कभी सुना था बचपन में, हाँ, कि पता नहीं प्याज बगल में डालो तो बुखार हो जाता है, तो बचपन, अच्छा, में बड़ी ट्राई की लेकिन कभी बुखार नहीं हुआ। ठीक है, तो आप मतलब बुखार का बहाना बनाते थे? हाँ, बड़ी कोशिश करता था लेकिन कभी जो है ना नहीं चली, ना अबू के सामने ना अम्मी के सामने, ने कहा चलो बेटा स्कूल चलो। गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट, माओ को कैसी बहू चाहिए होती है? यहाँ पे आपने वो सिफात सारी, कितनी क्वालिटीज आएंगी आपके हिस्से में, एक्सप्लेन करना। 4 माँ को कैसी बहू चाहिए होती है? जो उनके बेटों को प्यार करे, ओके, बेटे का ख्याल रखे, ठीक है, लड़े ना बेटे से, ठीक है, और ये सारा कुछ वैसे बेटे को चाहिए होता है। ये और बात कोई नहीं, माँ के थ्रू जो है पूरी कर ले। और आई गेस कोई ऐसी जो जिंदगी में उसके साथ में, ठीक है, 4 हुए। चार हो गए, चार हो गए। तो घर की सफाई शफाई, खाना बनाना आता हो, इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। ये भी आ सकते थे लेकिन चलें चार पहले चार हमने गिनवा दिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्से में देने वाली धमकियां। रूड हो जाएगा थोड़ा सा, टीवी पे बोल नहीं सकूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात। मेरा असिस्टेंट है, उसको बुलाते हैं जरा। अच्छा। उसके सामने जो है उसको काफी मैं जब से मैंने प्रोडक्शन शुरू की तो मैं खासा जो है डांटता हूँ अपने पूरी टीम को। Really? और सबसे ज्यादा मैं अपने आप को डांट रहा होता हूँ क्योंकि मैं अपने सेट पे भी लेट आ रहा हूँ। मगर आप तो कूल काम एक बंदे के नहीं, नॉट ऑन सेट आई थिंक। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब चीजें पूरी करनी होती हैं तो तरीके तो मैं नहीं तो क्या बता सकता हूँ, बट हाँ लोग शायद समझते नहीं होंगे लेकिन मुझे अच्छा खासा मैं गोली मार दूंगा, मैं घर से निकाल दूंगा, क्या क्या धमकियां देते हैं? दो तो मैंने बता दिया। नहीं मेरा बड़ा, मेरा जैसे जो मेरा होता है ना, मैंने आपको जैसे कहा मैं बिल्कुल कट ऑफ वाला हूँ। अच्छा। तो मेरी धमकी यही होती है कि बस यू नो राब्ता ही नहीं, कोई बात नहीं करनी और चुप हो जाना। अगर हाँ कभी धमकी नहीं दी किसी को वैसे धमकी, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं कॉन्फ्रेंटेशनल नहीं हूँ, नहीं उस तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं, बल्कि लड़ाई को ना हमेशा सुलझाने की कोशिश। तो आपने कभी गुस्से में धमकी दी नहीं? दी होगी लेकिन अभी आई कांट, अभी याद नहीं। नॉट धमकी टाइप नहीं लेकिन। तो अपने स्क्रिप्ट्स में से चार किया हुआ है, स्क्रिप्ट्स में से चार धमकियां याद करें, कौन कौन सी धमकियां स्क्रिप्ट्स में आपने दी हुई हैं? नहीं इस वक्त आई एम नहीं आ रही। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों के इशारे। कोई भी आंखों के इशारे, कोई भी आंखों के इशारे। दिस इज चीटिंग। अच्छा ओके, थोड़ा सा इसको घुमा लें। वैसे आप इसको मैं मास्टर कर लेता हूं। चार मान लेते हैं, चार आंखों के इशारे। चार आंखों के इशारे मतलब किसको? कैमरे को, कैमरे को देख रहा है, कैमरे की आंख आपको देख रही है तो आपने आंखों में इशारे। फिर ये दोनों भी हो सकती है, ठीक है। और फिर आखिर में वाह क्या बात है, और दोनों से भी कर सकता हूँ ये क्या